हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी मैम संस्कृत मैम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठमाला भाग दो, पाठ षष्ठ, पाठ पाठ छः, रमणीय आश्रम यानी कि डिलाइटफुल डिलाइटफुल हर्मिटेज यानी कि एक रमणीय सुंदर आश्रम। चलिए देखते हैं सुंदर आश्रम में क्या है, क्या मिलता है वहाँ हमें, देखते हैं हम। अयम एकः शांतः पवित्रः रमणीय च आश्रमः अस्ति। यह एक शांत पवित्र यानी कि बिल्कुल पवित्र प्योर रमणीय सुंदर आश्रम है। आश्रमस्य समीपे एका गंगा नदी वहती। आश्रम के पास क्या बहती है, एक गंगा नदी बहती है। नद्या जलम स्वच्छम पवित्रम च अस्ति। नदी का जल स्वच्छ और पवित्र है। जले कीटाणवे नैव जायन्ते। जल में कीटाणु नहीं होते हैं। नद्या तटे अनेका वृक्षा शोभन्ते। नदी के किनारे पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। वृक्षेषु विविधानि फलानि सन्ति। पेड़ों पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं। तेषु खगा कूजन्ती। उन पर पक्षी कूकते हैं। अत्र अनेकानि उटजानि सन्ति। यहाँ पर अनेक कुटियाएँ हैं। उटजेषु मुनये वसन्ति। कुटिया में कौन रहते हैं, मुनि साधु रहते हैं। सर्वे मुनये ज्ञानिनः सन्ति। सभी मुनि कैसे हैं, ज्ञानी है। एकः मुनि तपस्याम करोति। एक मुनि क्या करता है, तपस्या करता है। द्वौ मुनि शास्त्रस्य चर्चा कुरुत। दो मुनि क्या करते हैं, शास्त्र की चर्चा करते हैं। त्रय मुनि हवनम कुर्वन्ति। और तीन मुनि क्या करते हैं, हवन करते हैं। आश्रमे शिशवः क्रीडन्ति। आश्रम में बच्चे खेलते हैं। मृगा तृणानि चरन्ति। हिरण क्या करते हैं, हिरण घास चरते हैं। एकः शिशु मुनिना सह गच्छति। एक बच्चा मुनि के साथ जाता है। द्वौ शिशु मृगेण सह क्रीडत। दो बच्चे हिरण के साथ खेलते हैं। त्रय शिशु मयूरेण सह क्रीडन्ति। और तीन बच्चे मोर के साथ खेलते हैं। एकः वटु पूजायै पुष्पाणि आनयति। एक जो विद्यार्थी है वो पूजा के लिए फल लाता है। द्वौ वटु समिधाम आनयते। और जो दो विद्यार्थी हैं वहाँ पर वो हवन के लिए सामग्री लाते हैं। त्रय वटवे कुशान आनयन्ति। और जो तीन विद्यार्थी हैं वो कुशा लाते हैं। मुनये वटून पाठयन्ति। मुनि उन विद्यार्थियों को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। मुनीनाम जीवनम शांतिप्रियम भवति। मुनियों का जीवन कैसा होता है, शांतिप्रिय होता है। मुनिये सर्वथा पूजनीया वंदनीया च। मुनि हमेशा पूजनीय होते हैं और वंदन करने योग्य होते हैं। मुनिभ्य नमः। मुनियों को नमस्कार है। आपने देखा आश्रम में क्या क्या हो रहा है, पेड़ हैं, अनेक पेड़ पर अनेक फल लगे हुए हैं और पक्षी कूजते हैं। यहाँ अनेक कुटियाँ हैं और अनेक कुटियाओं में मुनि रहते हैं बहुत सारे। और मुनि क्या करते हैं, मुनि बहुत ज्ञानी होते हैं। और एक मुनि क्या कर रहा है, तपस्या कर रहा है। दो मुनि शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं और तीन मुनि हवन कर रहे हैं। और आश्रम में बच्चे खेल रहे हैं और हिरण घास चर रहे हैं। और एक शिशु मुनि के साथ जाता है और दो शिशु बच्चे हिरण के साथ खेलते हैं और तीन शिशु मोर के साथ खेलते हैं। एक विद्यार्थी पूजा के लिए फल लाता है। दो विद्यार्थी पूजा के लिए हवन के लिए सामग्री लाते हैं। और तीन जो विद्यार्थी हैं वो कुशा लाते हैं। और मुनि उन विद्यार्थियों को क्या करते हैं,
पढ़ाते हैं और मुनियों का जीवन कैसा होता है, बहुत ही शांतिप्रिय होता है। हमें मुनियों की हमेशा क्या करनी चाहिए, हमें मुनियों की हमेशा पूजा करनी चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए। सभी मुनियों को नमस्कार है। तो आपने बच्चों ये आश्रम वाला जो पाठ पढ़ा, इसमें हमने मुनियों के बारे में जाना। अब हम जानते हैं पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थों के बारे में जानते हैं। जैसे कि पहला शब्द दिया हुआ है यहाँ शांत है। शांत है क्या होता है, शांत। पवित्र यानी कि पवित्र। रमणीय क्या है, सुंदर या आनंददायक। आश्रम है माने आश्रम ही होता है। समीप निकट या पास। स्वच्छम माने बिल्कुल साफ। कीटाणुए कीड़े। जयंते माने उत्पन्न होते हैं। विविधानी माने विभिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार के। उठ जानी क्या होती है, झोपड़ियाँ। तृणानी क्या होती है, घास के तिनके। पूजा यही माने पूजा के लिए। वटु कौन होते हैं, वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी या ब्रह्मचारी। और कुशान क्या होती हैं, कुशों को। और समिधा होती है हवन की लकड़ी, यानी उसको बोलते हैं समिधा। कभी भी हवन के लिए जो लकड़ियाँ आती हैं उनको ये नहीं कहना चाहिए लकड़ियाँ लगा दो इसमें, हमेशा बोलना चाहिए समिधा लगा दीजिए। तो इस प्रकार हमने बच्चों पाठ में है हुआ पाठ के शब्द और उनके अर्थ के बारे में जाना। अब हम थोड़ा सा अभ्यास कार्य करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं बच्चों, जिसमें पहला प्रश्न है आश्रम में कीदृश अस्ति। आश्रम है रमणीय अस्ति, रमणीय अस्ति। आप प्रश्नों के उत्तर बच्चों हिंदी में भी दे सकते हो। नद्या जल से का विशेषता अस्ति, नदी के जल की क्या विशेषता है। नद्या जले कीटाणव न जायते, कीटाणु नहीं होते नदी के जल में, इतना पवित्र जल होता है। वटु पुष्पाणि किमर्थम आनयति, ब्रह्मचारी फूलों को किस लिए लाता है, पूजा के लिए लाता है। पूजा यही आनयति, मयूरेण सह के क्रीडन्ति, मयूरों के साथ कौन खेलता है, शिशव। शिशु केन सह गच्छति, शिशु किसके साथ जाता है, मुनिना सह, मुनि के साथ जाता है। गच्छति। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए कुछ प्रश्न और उनके उत्तरों को किया। रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज नंबर 2, रमणीय आश्रम, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आश्रमम शिशवा क्रीडन्ति। नेक्स्ट वटय कुशान आनयन्ति, त्रय वटव कुशान आनयन्ति। मुनि हवनम करोति, वृक्षेषु खगा कूजन्ति, गंगा जले कीटाणव नैव जायन्ते। पाठ में आए हुए रिक्त स्थानों की हमने पूर्ति करी कुछ शब्दों के द्वारा। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 3, सम्यक उत्तर चिन्हांकितम कुरुत, सही उत्तर पर सही विकल्प चुनकर हमें उनको राइट का निशान लगाना है। शांत है, पवित्र है, रमणीयम च अस्ति, मंदिर या विद्यालय या आश्रम है। क्या था, शांत पवित्र और रमणीय क्या था, आश्रम। आश्रम से समीपे नदी बहती, गंगा यमुना या पुत्र, गंगा नदी बहती थी आश्रम के पास। मुनीनाम जीवनम भवति शांतिप्रियम, व्यक्तम या अशांति। मुनियों का जीवन कैसा होता है, शांतिप्रिय होता है मुनियों का जीवन। और नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, वाक्य बनाने हैं हमें, छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। मुनि आश्रमे, मुनि वसति, आश्रम में मुनि रहता है। शिशु, शिशु क्रीड़ति। नद्य गंगा नद्य प्रवहति,
बहती है ज्ञानिनः मुनि ज्ञानिनः भवति मुनिभ्य वयम् सर्वे मुनिभ्य नमः। इस प्रकार हमने छोटे छोटे शब्दों से वाक्य बनाए हैं, आप भी बना सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारी एक्सरसाइज है निम्नलिखित पदों की विभक्ति और वचन लिखने हैं। शास्त्रस्य में यहाँ षष्ठी विभक्ति है बेटा और एक वचन है। पुष्पाणि यहाँ प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। मृगेण तृतीया विभक्ति एक वचन। फलानि प्रथमा विभक्ति ये द्वितीया भी प्रथमा द्वितीया दोनों में ही है और ये बहुवचन है। ये हमारा एक्टिविटी कार्य है बच्चों, रचनात्मक कार्य है। इसमें यहाँ आप चित्र देख रहे हैं बहुत सारे, इन चित्रों को हमें पाठ से चुनकर इनका वाक्य लिखना है कि ये क्या कर रहे हैं, मुनि क्या कर रहे हैं। तो मुनि क्या कर रहा है, मुनि ध्यानम आप आगे बनाएंगे। ये आपको रचनात्मक कार्य अपनी एक उत्तर पुस्तिका में बना सकते हैं या एक शीट लेकर, ड्राइंग शीट लेकर उस पर ये चित्र लेकर ये आप बना सकते हैं और बनाकर अपने अध्यापक अध्यापिका को दिखा सकते हैं। ये पेड़ है, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, ये पाठ से चुनकर ही आपको लिखना है यहाँ पर और ये रचनात्मक कार्य आपको करना है और अपने अध्यापक और अध्यापिका को दिखाना है इस कार्य को। ये आपको ये कार्य आपके होमवर्क में है जो आप होमवर्क में करेंगे और इसको बहुत सुंदर तरीके से आपको करना है। ये आपका एक्टिविटी कार्य है जो आपको करना है। अभी आपने बच्चों जाना रमणीय आश्रम है, कितना सुंदर आश्रम था वहाँ, क्या क्या हो रहा था वहाँ पर, आपको पता लगा आश्रम में कैसा होता है, कितना पवित्र होता है, कितना सुंदर होता है, ये सब हमने जाना। नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।